सब्सक्राइब करें मोरा जी लाइव पेज को और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे पाए नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। हेलो दोस्तों, क्या सबसे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि बहुत पर्सन ने इसको का जो कंपनी में फंसा हुआ है उन लोगों का पैसा अभी तक नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, सेबी ने जो उस बीच हमारे पास एक मैसेज किया था, तो हम लोगों ने उस मैसेज में पढ़ा था कि सेबी ने हम लोगों को क्या बताया। तो सेबी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो दोस्तों, सेबी ने एक मैसेज के साथ साथ एक FAQ के नाम से भी एक डॉक्यूमेंट हमारे पास सेंड किया था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो दोस्तों, वो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी, इसलिए उसमें टाइम ना होते हुए भी मैं इसको FAQ को उसमें नहीं दिखा पाया और उसको नहीं बता पाया। तो दोस्तों, मैं इसलिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत अक्सर लंबी हो सकती है, बहुत लंबी होगी, क्योंकि FAQ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आंसर, क्योंकि मैंने उसको देखा है। तो दोस्तों, आज मैं उस FAQ को आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल मौर्य जी लाइव टच पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर देखिए रेड कलर जो बटन है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो आए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोग देख सकते हैं किस टॉपिक के वीडियो पाए जाते हैं और किस टॉपिक के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कोई एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सभी टॉपिक्स के वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। ज़्यादातर दोस्तों, मैं आप डेली आप लोगों को वीडियो देने वाला हूँ टेक्निकल पे, हाउ टू ट्यूटोरियल, जो कि आप डेली चलता है, और इसमें मैं आप लोगों को जल्दी सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए दोस्त, मैं अपने टॉपिक पाता हूँ और चलता हूँ मैं दोस्त। चलिए, मैं अपना FAQ को ओपन करता हूँ, उसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे FAQ हिंदी के नाम से है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इसको मैं चलिए ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी होगी दोस्तों, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। आप देख सकते हैं, सात पेज में, एक पेज में लगभग आपको 4 या 5 क्वेश्चन आंसर हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ी होगी, आप लोग बोर मत होइएगा और इसको पूरा का पूरा देखते रहिएगा। चलिए दोस्त, मैं आप लोग को स्पीड दिखाते हुए पूरा काम करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अपने, और इस वीडियो को लाइक जरूर करके रखिएगा। दोस्तों, चलिए दोस्त, शुरू करता हूँ। चलो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या होता है कि FAQ मतलब होता है, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ कि FAQ क्या होता है। क्या कि दोस्तों, मान लीजिए कोई साइट ओपन हुई है, या फिर कोई काम करने के लिए कोई भी आप साइट ओपन कर रहे हो, तो उस काम के जरिए आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर या तो सामने वाला पर्सन अगर आपके सामने मौजूद हो तो उससे पूछ सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पर जो सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली पूछ नहीं सकते, इसलिए FAQ बनाया जाता है, जिसमें आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन उठेंगे उसका भी आंसर, कंपनी के भी लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठते हैं और उनका आंसर क्वेश्चन दोनों इसलिए सबमिट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं FAQ। तो चलिए दोस्त, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ, जिसमें बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन मामलों में प्रमाण पत्र के धारक की मृत्यु हो चुकी हो, क्या उन मामलों में नामिती या कानूनी वारिस धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन कर सकता है? PSL के मामले के संबंध में जन धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन करने के लिए नामिनी को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे? दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर, जिन दोस्तों की मृत्यु हो चुकी है, क्या उन लोगों का आवेदन हो रहा है या फिर उनके नामिनी आवेदन कर सकता है? तो जिन दोस्तों का ये प्रॉब्लम है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा, इसका भी आंसर जो है इसका भी सुन ले। दोस्तों, इसका आंसर है, मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत नामनी या नामती या कानूनी वारिस को दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने नहीं करने हैं,
साधारणतः मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत केवल प्रमाण पत्र का धारक ही अपने लिए आवेदन कर सकता है। यदि इसमें समिति द्वारा नामितों, नामनीज या कानूनी वारिसों की ओर से दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी। दोस्तों इसका मतलब आप लोगों को मैं क्लियर बता रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जो मौजूदा प्रक्रिया चल रही है आप लोग इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके जो लोग जीवित हैं या फिर उनके पास प्रमाण पत्र अवेलेबल है, ना कि वही लोग आवेदन करें जिनके या फिर उनके नामनी आवेदन नहीं कर सकते। नामनी अगर आवेदन करेंगे तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। वह उन लोगों को आवेदन करने के को कब किया जाएगा उसकी सूचना आप लोगों को बाद में दी जाएगी। इसका मतलब यही है बताया गया इसमें। तो चलिए दोस्त मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ। यदि PSL के प्रमाण पत्रों पर नाम वैसा ना लिखा हुआ हो जैसा कि पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो तो ऐसे में क्या करना होगा? तो दोस्तों जिन दोस्तों का ये प्रॉब्लम है उन दोस्तों को कंपनी उनका सोल्यूशन दे रही है। यदि PSL के प्रमाण पत्रों पर आपका नाम वैसा ना लिखा हुआ हो जैसा कि आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो तब भी आप दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस कॉलम में पैन कार्ड के अनुसार नाम डालना है आप उस कॉलम में अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो। जिस कॉलम में PSL के प्रमाण पत्र के अनुसार नाम डालना है आप उस कॉलम में अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा PSL के प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ हो और साथ ही दिए गए कॉलमों में समर्थक दस्तावेज भी अपलोड करें। दोस्तों इसमें इनका कहने का मतलब है कि आप लोग नाम वैसा ही लिखें जैसा पैन कार्ड में है, पैन कार्ड के स्थान पर पैन कार्ड का नाम डाल दें और जब जो जो दस्तावेज मांगा जाए उस दस्तावेज को अपलोड कर दें, जिससे इससे यानी कि कंपनी के पास आप लोगों का डिजिटल जो दो लीगल दस्तावेज वो कंपनी के पास पहुँच जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी क्वेश्चन नंबर 2 और चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि निवेश उस नाबालिग के नाम पर किया गया हो जिसके पास पैन कार्ड ना हो तो ऐसे में क्या करना होगा? बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि सर हमारे मैंने अपने बच्ची के नाम पर यानी कि वो पैसा जमा किया है तो क्या उसका भी पैन कार्ड बनवाना होगा? तो दोस्तों जिन दोस्तों का ये प्रॉब्लम है वो भी इसका सोल्यूशन जान लें। आंसर नंबर 3 है दावे संबंधी आवेदन के साथ ही दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे जो निर्धारित किए गए हों ताकि वह आपके आवेदन स्वीकार हो सके। इसलिए आपको नाबालिग के नाम से पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। आयकर विभाग ने पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की हुई है जिसका अर्थ यही है कि नाबालिग भी पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सीधा बताया है कि अगर आप नाबालिग के नाम पर भी पैसा जमा किया है तो अगर आप भी उनका पैसा लेना चाहते हैं तो आपको उनका पैन कार्ड बनवाना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नाबालिग है तो उसका पैन कार्ड नहीं बनेगा और ना उनका पैन कार्ड बनवाना होगा। तो दोस्तों इन्होंने पहले बता दिया कि आपको पैन कार्ड बनवाना होगा और पैन कार्ड बनवाने के बाद तब आपको आवेदन करना होगा जिससे कि आपका आवेदन स्वीकार किया जा सके। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही है। अक्सर मैंने जितने भी वीडियो बना अपलोड किया है सब वीडियो में अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन अलग से आते थे लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते थे कि पैसा कब लौटाया जाएगा, क्या पैसा ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। दोस्तों ये दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को ध्यान सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत से दोस्त हमेशा कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है समिति द्वारा पैसा लौटाने, धन वापसी रिफंड करने का निर्णय तो आवेदन करने वाले निवेशकों द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करने के बाद ही लिया जाएगा। समिति निवेश की गई रकम लौटाने से पहले इस बात पर गौर करेगी कि समिति के पास कितना कॉर्पस है और साथ ही धन वापसी रिफंड की किस आधार पर की जाएगा इसका निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा। इस चरण में ब्याज के भुगतान पर विचार नहीं किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को विधिवत यहाँ पे बता दिया गया है, कंपनी ने विधिवत बता दिया है कि आप लोग का पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्याज सहित मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए मैं इसका आप लोगों को विस्तार से बता दे रहा हूँ। देखिए समित कह रही है कि आप लोगों का पैसा जो है लौटाने की प्रक्रिया
यानी कि जब तक आप लोग आवेदन करिए, आवेदन प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाएगा कि पैसा कब मिलेगा। जैसे सभी निवेशकों का आवेदन फाइनल हो जाएगा, सभी निवेशक अपने पैसा लेने के लिए आवेदन कर देंगे, उसके बाद सभी जो दावा हम लोगों ने किया है सत्या यानी कि दावा किया है, अपना डॉक्यूमेंट जमा किया है कंपनी के पास, अपने दस्तावेज भेजे हैं, उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे। सत्यापन करने के बाद वे लोग खुद डिसीजन लेंगे कि हम लोग इन निवेशकों का पैसा कब लौटाया जाएगा और कैसे लौटाया जाएगा। तो दोस्तों अगर देखते हैं कि उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास जितने निवेशक हैं उनके हिसाब से अगर पूरा पैसा हो गया है, जिन्होंने जितना आवेदन किया जाएगा उसका पूरा पैसा उनके पास अवेलेबल है, अगर और भी पैसा बढ़ रहा है तो उसको फिर ब्याज के हिसाब से देंगे। लेकिन इन्होंने पहले बता दिया गया है कि इस चरण में ब्याज के भुगतान पर विचार नहीं किया जा रहा है, वे लोग सिर्फ और सिर्फ आपका मूलधन ही वापस करेंगे, और जब उनके पास मूलधन के बाद जो पैसा बचेगा तब उसको ब्याज के हिसाब से एडजस्ट करके आप लोगों को रिफंड करेंगे। तो दोस्तों आज के का जो पेज फर्स्ट पेज था, मैंने आप लोगों को इसका आंसर पूरा का पूरा आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं दोस्तों आज का पेज सिर्फ पेज नंबर 1 ही बताया है। अब आप पेज नंबर 2 अगले वीडियो में देखिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग देखते हुए बोर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से दोस्त अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के फायदे बहुत है, क्योंकि बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो कि उन लोगों को वीडियो नहीं मिल पाती है और वे लोग वीडियो देखते नहीं हैं और भी बाद में कमेंट करके पूछते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों को मदद करें इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करके। तो दोस्तों अब डेली टेक्निकल वीडियो भी पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि चैनल दोस्तों हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाना भी शुरू कर। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।